जी नाज़रीन, दिस इज़ रदा अहमद। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें रिस्क फैक्टर भी है। तो आपने क्या करना है, हमारे पास बहुत डेडिकेटेड टीम मौजूद है जिनसे आप एडवाइस भी ले सकते हैं, और प्लस हमारे पास ब्रोकरेज टीम भी है चेस सिक्योरिटीज़। तो अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो चेस सिक्योरिटीज़ में अपना अकाउंट ओपन करवाएं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे क्लिक करें और आज ही अपना अकाउंट ओपन करें। तो आप जो है वो अपने रिस्क फैक्टर को इस तरीके से मिनिमाइज करेंगे, क्योंकि आपको सारी फैसिलिटीज एक ही जगह पे मिल रही हैं। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जाइए और फौरन से अपना अकाउंट लॉक करवाएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अरीबा एंड यू आर वाचिंग मी एट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट अ सेशन विद चेस सिक्योरिटीज। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज द डायरेक्टर ऑफ चेस सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान। आइए इन्हें वेलकम करते हैं एंड शुड नो अबाउट टुडेज मार्केट। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? जी वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स नाइस सर। जरा हमें बताइएगा, जैसे हमने देखा आज की मार्केट में हमने काफी बुलिश एक्टिविटी देखी, हमने आज मार्केट में 2200 पॉइंट्स अपसाइड भी देखा। तो सर थोड़ा सा हल्का सा रिव्यू दे दें आज की मार्केट का, और ये बताते हैं कि आज की मार्केट की तेजी की कोई खास वजह रही है? देखिए जी, सबसे पहले तो मार्केट के अंदर जो न्यूज थी वो वीकेंड के ऊपर आई थी कि जो है कुछ गवर्नमेंट ने कुछ पैसे रिलीज किए हैं, और गवर्नमेंट ने कुछ प्लग एंड प्ले जो एक डिविडेंड का फॉर्मूला था वो जो है IMF से अप्रूव करवा लिया है। तो उसकी वजह से हमने स्टार्ट होते ही सेशन के बाद PPLOG में ना सिर्फ तेजी देखी बल्कि उन्हें अपर सर्किट पे क्लोज पूरा दिन जो है ना ट्रेड होता हुआ देखा। इसके अलावा कुछ लोगों ने जो अपनी म्यूचुअल फंड से पोजिशन को एयर एंड की वजह से विड्रॉ किया था, हमने बाजार में ये देखा भी, ये भी सुनने में आया कि बाजार में दोबारा से म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेशन हमने देखा कि वो बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से हमने म्यूचुअल फंड को एक्टिवली सुना, मार्केट में सुना कि वो पार्टिसिपेट कर रहे थे आज की इस पूरी बुल रैली में। और इसके अलावा जो है जो 209 बिलियन रुपए की खबर थी कि जो वीकेंड के ऊपर आई थी, 29 बिलियन को मुख्तलिफ IPPs को गवर्नमेंट ने पेमेंट किए, उसकी वजह से हमने अक्रॉस द बोर्ड स्विंग नॉर्थ IPPs और ENP और प्लस जो ये आपके गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है इनमें ना सिर्फ तेजी देखी बल्कि एक टाइम पर उनको ऊपर के ताले के करीब ट्रेड होता हुआ बंद होता हुआ देखा। और मेजर कंट्रीब्यूशन हमें जो है इन्हीं सेक्टर की तरफ से आई है। इसके अलावा जो है सीमेंट के आज नंबर आए थे जो तो से बेहतर थे, क्योंकि नॉर्मली विंटर में सेल्स के नंबर्स कम हो जाते हैं, तो हमने आज सीमेंट में भी एक अच्छी अच्छा एक थोड़ा सा बुल रन देखा। अक्रॉस द बोर्ड हर एक की कॉन्ट्रीब्यूशन थी, पर ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हमने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, फिर कमर्शियल बैंक और फिर सीमेंट्स में आते हुए देखा। जैसे कि आपको पता है आज OGDC PPL ने में हमने अपर कैप देखा, हमने काफी ज्यादा बुलिश एक्टिविटी देखी। जैसे कि आपको पता है इसके पीछे एक डिविडेंड की स्टोरी है, तो सर अगर वो वजह है तो हमने फ्राइडे को तो हमने ये अपर कैप नहीं देखा, तो सर क्या इसके पीछे कोई और भी स्टोरी है? जी देखिए, दो चीजें, एक तो ये है कि बाजार के अंदर जो मोमेंटम है वो फॉरेन बाइंग और एयरलाइन की वजह से थोड़ा सा जो है ना फॉल्ट हुआ था, और कुछ रोल ओवर का भी प्रेशर था लास्ट फ्राइडे तक। लेकिन उसके बाद जो है जो डिविडेंड वाली स्टोरी है वो फ्राइडे को IKS मार्केट की क्लोज के बाद ही फ्लैश हुई थी TV पे कि जी गवर्नमेंट और IMF के दरमियान जो है डिविडेंड प्लग एंड प्ले जो का फार्मूला, उस पर जो है ना कुछ रजामंदी या IMF की तरफ से जो उनके कंसर्न थे वो रिजोल्व हो गए, उसकी वजह से जो है हमने उसको तेज होता हुआ देखा। और दूसरा जो है IGS फ्राइडे को वो चीज क्लैरिटी नहीं आई थी, और फिर दूसरा जो है ना वीकेंड पे जो डेवन वाली खबर आई है वो भी IGS ने भी काफी ज्यादा जो है ना रोल प्ले किया। दोनों खबरें जो है मार्केट के बाद बंद होने फ्राइडे के बाद है, इसीलिए जो है ना हमने फ्राइडे को इतनी ज्यादा तेजी या इतनी ज्यादा इसमें कोई जी, बाइंग एक्टिविटी नहीं देखी थी। आज हमने जैसे देखा कि सीमेंट सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे वॉल्यूम के साथ उसकी अच्छी ट्रेडिंग एक्टिविटी देखी गई। तो थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि सीमेंट सेक्टर के इतना अच्छा परफॉर्म करने की क्या वजह रही? क्या आगे वाले सेशन में भी इस तरह मार्केट में सीमेंट सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगी? तो आपको सीमेंट सेक्टर किस अट्रैक्टिव लगता है या सही है बस? यहाँ तक मैं आपका सवाल समझ पाया हूँ, उसमें सीमेंट सेक्टर के हवाले से जो है कि आपको लगता है कि सीमेंट सेक्टर में आज जो रैली हुई है वो कंटिन्यू करेगी? मेरा ख्याल है जी, क्या कि सीमेंट के एक्टिविटी अंदर जो जो उसकी हमने रही है? अपने सीमेंट में जो एक्टिविटी रही है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हमने अपने स्टार्ट में आपको बताया कि सीमेंट सेक्टर के नंबर्स जो मंथ दिसंबर के महीने के रिलीज हुए वो 4 मिलियन टन की सेल्स रही है, जो ईयर ऑन ईयर तकरीबन 10% की ग्रोथ है। तो उसकी वजह से जो है सीमेंट के अंदर जो है एक अनएक्सपेक्टेडली हमने एक रैली देखी।
और बाजार के अंदर जिस तरह का मोमेंटम, बाजार बुलिश बना 2000 पॉइंट प्लस, हमें लगता है कि कल अक्रॉस द बोर्ड ही बाजार में रैली कंटिन्यू होती हुई दिखेगी, उसमें सीमेंट सेक्टर भी शामिल है क्योंकि नंबर से भी वो जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और खैर आज जब हम आपसे सेशन में बात करें तो इन्फ्लेशन का नंबर दिसंबर का आ चुका है, विच इज 29.66, जो कि हायर साइड पर है। तो ये एक वजह बन सकती है जिसकी वजह से कल थोड़ा सा मार्केट जो है किसी लेवल पर जाके अपने आप को थोड़ा कंसोलिडेट करे। बट जो मोमेंटम आज हमने देखा वो इतना बुलिश है कि मुझे लगता है कि कल भी और अगले का सेशन मार्केट थोड़ा तेज ही रह सकती है, और उसमें अक्रॉस द बोर्ड हमें जो है ये चीजें ब्रॉडरली पार्टिसिपेशन हमें दिखेगी, मतलब ब्रॉडर मार्केट में आपको जो है तेजी आती हुई दिखेगी, जिसमें जो है हर सेक्टर में आपको थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस अच्छी दिखेगी। ऑब्वियसली ज्यादा फोकस अभी भी ऑयल एंड गैस और जिनमें स्टोरी डिमांड की है वो उसमें ज्यादा रहेगा, बट मुझे लगता है कि क्रॉस द बोर्ड आपको सीमेंट की स्टोरी में भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा पार्टिसिपेशन दिखेगी। ऑडियंस को जरा ये भी बता दें कि आज हमने टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी काफी अच्छी एक्टिविटी देखी। टीआरजी, एयरलिंक, नेल्सोल में हमने ऑलमोस्ट अपर कैप्स पे क्लोजिंग देखी। तो सर, इस टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी की क्या वजह रही है आज? अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर काफी अच्छे से लैग कर रहा था, अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखें तो इसमें एयरलिंग तो खैर अर्निंग वाइज लोगों ने एक रिपोर्ट निकाली थी, वो 2-3 दिन से उसमें काम अच्छा हो रहा है और लोगों का टारगेट प्राइस पे तकरीबन 80 रुपये, 7-8 रुपए की अर्निंग 80 रुपये बनता है। टीआरजी में थोड़ा रोल ओवर का प्रेशर था, रोल ओवर क्योंकि इनका कुछ तकरीबन 3 बिलियन रुपीज का रोल ओवर था, तो वो थोड़ा ईज होने से मेरे ख्याल से उसमें एक रैली ड्यू थी जो टीआरजी में हमने देखी। नेट सोल के अंदर मेरे ख्याल से मार्केट में क्योंकि दोनों सेक्टर दोनों स्टॉक्स बुलिश थे, तो वो सेक्टर की परफॉर्मेंस की वजह से उसमें भी हमने एक अच्छा बुल रन देखा। जी सर। सर, मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कल की मार्केट के बारे में आपका क्या व्यू है? कल भी मार्केट क्या इसी तरीके से बिहेव करेगी, ऐसे ही इसके अंदर एक्टिविटी रहेगी, या इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कल के लिए? आई गेस अरिबा हम अपने मुख्तलिफ सेशन में जो आपके साथ होते रहे हैं उसमें इन्वेस्टर को ही एजुकेट करते रहे कि आप जो है इन्वेस्टर बेस को जो है मार्केट के जी अंदर जो है रैली से 2000 पॉइंट 3000 पॉइंट से ना हो करें। बाजार के अंदर ऑब्वियसली सस्ती होने की वजह से अब जब बुल रन आया तो मेरे ख्याल से बाजार अभी भी यहाँ से सस्ती है और काफी सारे सोर्सेज इसमें स्टोरी की वजह से यहाँ से भी अच्छे पैसे बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर को ये एडवाइस है कि वो अभी भी यील्ड प्ले स्टॉक्स में, फर्टिलाइजर में, IPPs में, ENP में, बैंक्स में अपनी पोजीशंस को यहाँ से बढ़ा सकते हैं और ANN के रिजल्ट के पीछे उनकी अच्छी रैली में अच्छे जो है ना उनको कैपिटल गेन या डिविडेंड वगैरह की फॉर्म में रिटर्न मिल सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स को ये एडवाइस है कि अपने आप को इन्वेस्टेड रखें और जी जो भी डिप आती है, अपॉर्चुनिटी आती है, उसमें आप एकुमुलेट ही बिल्कुल। करें स्टॉक। थैंक यू सर सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने हमारे लिए थोड़ा सा अपना प्रेशियस टाइम निकाला। थैंक यू सो मच।